सभी दोस्तों का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बड़ा ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करेंगे। अक्सर देखा जाता है समाज में कि जो लोग ईमानदार रहते हैं या जो संघर्षशील रहते हैं, जो अपने असूलों पर पक्के रहते हैं, उन्हें हम ये मानते हैं कि ये सफल नहीं है, यानी ये गरीब है। मतलब गरीबी का पैमाना हमारे लिए ईमानदारी है। और अगर कोई सफल हो जाए तो हम अपने बच्चों को या आसपास हम क्या एग्जाम्पल देते हैं कि यार ये 2 नंबर से सफल हो गया होगा, सही ढंग से इतना पैसा नहीं कमाया जाता। ये हमारी धारणा बन जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी क्षमता से ज़्यादा, जितना हम सोचते थे उतना पैसा कमा लिया है। तो हमारे मन में धारणा क्या बन गई कि ये इन्होंने कुछ इलीगल काम किया होगा। और ईमानदारी की हमने क्या धारणा बनाई कि गरीब गरीब लोग ईमानदार होते हैं, ईमानदार लोग गरीब होते हैं। आप एक बात सोचिए कि इसका एक मैसेज हमारी नेक्स्ट जनरेशन पर क्या पड़ेगा कि अगर मैं ईमानदार रहा तो मैं गरीब रहूँगा, अगर मैं सफल होना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ तो मुझे बेईमानी से कमाना पड़ेगा, इलीगल तरीके से कमाना पड़ेगा। ये अगर मैसेज मैं अपनी जनरेशन को दे रहा हूँ तो वो क्या सीखेगा? ईमानदारी के साथ उसने गरीबी को एंकर कर लिया। मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप ईमानदारी से लाइफ जी रहे हैं, तो आपके लिए मस्ट है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप अमीर भी बने, आप समृद्ध बने। अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती, अमीरी और भी बहुत सी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है। समृद्ध हम हर तरह से रहते हैं, हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारे रिश्ते अच्छे रहे, और लेकिन सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है इसमें पैसा। क्योंकि अगर बच्चे को ये मैसेज गया कि मेरे पापा ईमानदार है लेकिन उनको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है पैसों के हिसाब से, वो मुझे मन मुताबिक कोर्स में नहीं भेज सकते, या वो मुझे अच्छे कपड़े नहीं दिला सकते, या वो अच्छा घर नहीं खरीद सकते, तो बच्चा कहीं ना कहीं आपकी ईमानदारी को ये सोच लेगा कि ईमानदारी का मतलब है गरीब रहना, तो इसको गलत मैसेज आएगा। तो अगर आप ईमानदार हैं तो अमीर भी बनिए, पैसा भी कमाइए ईमानदारी से। ईमानदारी से पैसा कमाने के भी बहुत से तरीके हैं, मेहनत से पैसा कमाने के बहुत से तरीके हैं। ज़रूरी नहीं कि जिन लोगों ने बहुत पैसा कमाया वो इलीगल तरीके से कमाया है, अपनी मेहनत के दम पर भी बहुत लोग अमीर बने हैं और लीगल तरीके से अमीर बने हैं। तो आप ये गुणगान मत करते रहिए कि ईमानदारी मतलब गरीबी, ईमानदारी मतलब गरीबी, मैं गरीब हूँ पर मैं ईमानदार हूँ। अगर आप ईमानदार हो तो आप अमीर भी बन सकते हो। नेक्स्ट जनरेशन को ख़राब मैसेज आएगा अगर आप ईमानदारी और गरीबी को साथ एंकर कर देंगे। उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि ईमानदार रहूँगा तो मैं गरीब बनूँगा। उन्हें ये एग्जाम्पल दीजिए कि ईमानदार रहकर भी अमीर बना जा सकता है। तरीके खोजिए, आप किस फील्ड में अमीर बन सकते हैं, बिजनेस करके बनिए, आप नौकरी करके बनिए, आप कैसे भी बनिए, ये आपके ऊपर है, ये आपका अपना अपना फील्ड है कि आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस फील्ड में जाकर मैं अपना अपनी काबिलियत सिद्ध कर सकता हूँ। लेकिन गरीब मत रहिए। यही समाज में एक बहुत बड़ी विसंगति आ गई है, बहुत बड़ा एक ये नुकसान हुआ है बच्चों के लिए कि वो अमीरी को देखते आए इलीगल तरीके वाली और गरीबी देखते आए वो लीगल तरीके के साथ। तो अब आप फिल्मों को भी देखिए, वहाँ पर अक्सर जो अमीर थे उनको दिखाया गया था कि वो लीगल काम नहीं करते थे, और जो हीरो था, जो गरीब था, वो ईमानदार था और गरीब भी था। हमने ये मान लिया कि अगर हम ईमानदार हैं तो हमें ये स्ट्रगल की लाइफ जीनी पड़ेगी, जबकि देखा जाए तो स्ट्रगल की लाइफ उन लोगों के लिए बनी है जो ईमानदार नहीं है। ईमानदार के लिए समृद्धि बनी है, गरीबी नहीं बनी। ये हमने जोड़ लिया अपने आप को कि मैं ईमानदार और गरीब एक साथ है। आप ईमानदार हैं, आपको पूरा हक है अमीर बनने का, आपको पूरा हक है पैसा कमाने का। आप लीगल तरीके से दुनिया में हजारों करोड़ों तरीके हैं पैसा कमाने के। हर ईमानदार आदमी गरीब भी नहीं है, लेकिन सेलेक्टेड ऐसे लोग। इन लोगों के एग्जांपल हम अपने बच्चों को बहुत कम दे पाते हैं। अपने आसपास हम जो एग्जांपल दे रहे हैं वो उन लोगों के दे रहे हैं जो अमीर है पर ईमानदार नहीं है, और हम अपना एग्जांपल दे रहे हैं गरीब पर ईमानदार। इसे तोड़िए, अपने बच्चों के लिए सही, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सही, आने वाले अपनी कंट्री के उन युवाओं के लिए हम सबका फ़र्ज़ है कि हम अमीर बने ईमानदारी के साथ, ताकि मिसाल दी जाए कि ईमानदारी से भी अमीरी हासिल की जा सकती है। स्ट्रगल करना हमारा कोई वो नहीं है, ये हमारे लिए नहीं बना कि ईमानदार हूँ तो मैं संघर्ष ही करता रहूँ पूरी ज़िंदगी अपना। नहीं, आप ईमानदार हैं तो आपको ज़्यादा हक है सफल होने का, आपको ज़्यादा हक है पैसा कमाने का। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में आए हैं पिछले 10-12 साल में, जिन लोगों ने ईमानदारी से अपनी अमीरी हासिल की है। आप क्रिकेटर को देख लीजिए, आप बॉलीवुड स्टार को देख लीजिए, कितने बिजनेसमैन आपको ऐसे मिलेंगे जो ईमानदारी से लीगल तरीके से अमीर बने हैं। आप उनमें से एक बनिए। ज़रूरी नहीं कि आप क्रिकेटर बनो, आप एक्टर बनो, या आप बिजनेस करो, कोई भी काम। आर्ट में भी कई आर्टिस्ट बहुत अमीर हुए हैं। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल कुमार विश्वास को आप ले सकते हैं। पहले तक धारणा थी कि कवि गरीब ही होता है, जो गरीब नहीं वो कवि नहीं, जो फटे हाल में नहीं वो शायर नहीं, लेकिन उन्होंने तोड़ा इस बात को।
और आज ये रास्ता आने वाले शहर के लिए खुल गया कि वो पैसों की डिमांड कर सकते हैं, वो लग्जरी गाड़ी में घूम सकते हैं, वो अपनी लाइफ एक स्टार की तरह जी सकते हैं। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल आप ढूंढिए, उनमें से एक आप बनिए, ताकि पता लगे कि ज़रूरी नहीं कि हर ईमानदार आदमी गरीब ही रहे। पहले तक आपको भी पता है कि उन लोगों को ही कवि माना जाता था जो गरीबी और तंग हाली में मर गए, मरने के बाद माना उनको कवि थे वो, क्योंकि वो तंग हाली में मरा है। अमीरी में तो कवि रह नहीं सकता, पहले तक धारणा थी। शुरुआत में उनका भी विरोध हुआ होगा जब उन्होंने पैसों की डिमांड ज़्यादा की होगी, लेकिन आज सबसे महंगे कवि है वो, और उनकी उनके शोज हाउसफुल रहते हैं। आप यूट्यूब पर देखिए जाकर, उनका हर शो हाउसफुल है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेट कीजिए कि मेरे फादर, मेरा भाई, या आप जिस भी रिश्ते, मेरी बहन, मेरी मम्मी ईमानदार है और साथ में अमीर भी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर ईमानदार आदमी गरीब बनने के ही उस माया जाल में फंस जाए और बस इसी में हम अपना गुणगान समझ ले कि मैं ईमानदार हूँ इसलिए मैं गरीब हूँ। ऐसा नहीं है, हर ईमानदार आदमी गरीब हो ये कहीं नहीं लिखा है, और हर अमीर आदमी बेईमानी से अमीर बना ये भी कहीं नहीं लिखा है। दोनों चीज़ अलग अलग होनी चाहिए। बच्चों के सामने मैसेज आना चाहिए अच्छा, नेक्स्ट जनरेशन ये ना देखे कि मेरा पापा गरीब है पर ईमानदार है, वो बोले मेरा पापा अमीर है पर ईमानदार भी है। ये ज़्यादा गर्व की बात होगी आपके लिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि पैसा सब कुछ है, पर पैसा बहुत कुछ है। आपको अपने सारे दायरों के, आपका स्वास्थ्य की बात हो, आपके अपने मकान की, आपके कपड़ों की, आपके बच्चों की ज़रूरतें, उनका स्कूल भेजना, उनको उनके मन चाहे कोर्स कराना, सबके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग बोलते हैं पैसा कुछ नहीं है, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो कमा नहीं पाए या कमाना नहीं चाहते। लेकिन आप दोनों में से कोई मत बनना, आप कमाना भी कमाना पहले कमाना चाहो, तरीके देखो मेरे इस फील्ड में, मैं अगर इस फील्ड का हूँ तो मैं अपनी क्रिएटिविटी से कैसे और पैसा कमा सकता हूँ। सब मामला क्रिएटिविटी का है, एक ही प्रोफेशन में हर तरह के लोग मिलेंगे, अमीर और गरीब, फ़र्क वही क्रिएटिविटी का आ जाता है, उन्होंने अपने उस प्रोफेशन में कितना अपने आप को झोंक दिया। आप इस तरह के काम कीजिए कि आने वाली जनरेशन आपका एग्जाम्पल दे, ईमानदारी और अमीरी दोनों पे। अगर सिर्फ ईमानदारी पे दे रहे हैं तो आपने आधा काम किया है, गरीबी वाला अभी भी छोड़ के चले गए, ये मैसेज अभी भी आप देकर गए कि गरीबी में रहना पड़ेगा अगर ईमानदार रहना है तो। आप ये मैसेज बदलिए, समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, व्यापार के, रोज़गार के हज़ारों मौके नए डेली हमारे सामने आ रहे हैं। कितने ऐसे कोर्सेज आ गए जो 5 साल पहले नहीं थे, ये क्यों आए हैं? क्योंकि दुनिया बदल रही है, डिजिटल हो रही है, पहले तक ये सब चीज़ें नहीं थी। आप अपना फील्ड ढूंढिए कि इस पूरे माहौल में, माहौल को गाली देने से कुछ नहीं होगा कि ये आ गया, वो आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, आ गई तो आप उसके साथ दोस्ती कीजिए। अपने व्यापार को, अपनी नौकरी को, अपनी क्रिएटिविटी को उस टेक्नोलॉजी के साथ लेकर चलिए। जैसे YouTube देख लीजिए, अगर ये नहीं आती तो हम अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाते, ये आया तो तब हमारा इंटरेक्शन हुआ। तो ऐसे आपको पता नहीं कितने लोग YouTube ने स्टार बना दिए सिंगिंग में, या कहीं आप निकाल के देखिए छोटे छोटे बच्चे जो डांस करके स्टार बन गए। तो आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, पर अगर आप इन बहानों को अलग निकाल के अपने काम पर फोकस की करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप ये एग्जाम्पल सेट करेंगे। 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, रुकना मत। ज़रूरी नहीं कि आपने आज सोचा कल आपके पास पैसों की बारिश हो गई, ये भी एक गलत सोच है कि आपने आज बीज डाला कल वो आपको फल दे दे। उसे सींचना पड़ता है, उसमें समय लगता है, डिपेंड करता है कौन सा प्रोफेशन आपने चूज़ किया है, कितना बड़ा आपका लक्ष्य है। समय लग सकता है, घबराइए मत, गिरने में बुराई नहीं है, गिर के पड़े रहने में बुराई है। उठिए, दोबारा शुरू कीजिए, रेंगना शुरू कीजिए, फिर भागना शुरू कीजिए। पड़े रहकर किस्मत को दोष देना, अपने आसपास के दायरों को दोष देना, ये एक औसत आदमी का काम है। औसत रहना है तो बड़े बिंदास तरीके से इस काम को कीजिए, लेकिन अगर सफल होना है तो इन तरीक़ों से सफल नहीं होया जाता दोस्तों। इन तरीके से अलग एक तरीका है, वो है बाउंस बैक करना, उस सिचुएशन से निकलना और फिर उस सिचुएशन को अपना एक अपनी ताकत बना लेना। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो के बाद अपने आप को इस कैटेगरी में लेकर आने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ईमानदारी और अमीरी, समृद्धि साथ रहनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई, और जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू वेरी मच।